हेलो एवरीवन, CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर कि आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की बात है, तो आपके BBAU जिसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे लोग आपके BHU के बाद, तो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है आपके 27 तारीख से। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपके लगभग 15 तारीख तक जो है चलेगा। तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जिनके स्कोर 150 और नियर अबाउट आपके 150 और 100 के बीच में हैं, वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और अदर कैटेगरी है तो उससे नीचे वाले भी जाके रजिस्ट्रेशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहाँ का रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, CUET PG में पार्टिसिपेटिंग है, इसका रजिस्ट्रेशन आपके 29 तारीख से शुरू होगा और आपकी अगर हम बात करें तो 17 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर के इसके वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो HCU का भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके शुरू है। ठीक है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस बताई गई है वो 300 है, EWS के लिए, OBC NCL के लिए 200 एंड SC ST PWD कैटेगरी के लिए 125 आपके फीस यहाँ पर रखी गई है। BHU का जो अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन का, तो इस वीक प्रोबेबिलिटी है आपके रजिस्ट्रेशन होने का। ठीक है, और इसी वीक से शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर अभी टेस्ट चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है और अभी BHU का नहीं आया है, तो आप अपडेटेड रहिएगा, जब भी आएगा हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी आपकी अगर हम बात करें, कुछ और यूनिवर्सिटी रह गई है जिसको हम ट्रैक करते रहेंगे, जिसमें नेहू है, और हम बात करें सिक्किम यूनिवर्सिटी, मिज़ोरम और मणिपुर। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ के भी आप साइट्स को ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा, इनके भी रजिस्ट्रेशन की अपडेट्स आएंगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये भी आपके अगर कम मार्क्स है, लो मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो इन सब में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें HCU की स्पेसिफिकली, रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं, आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद आपकी रैंक आती है, आप अपने रैंक के हिसाब से आप ऑफलाइन जो है काउंसलिंग के लिए जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के HCU में। ठीक है, तो अभी जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका रैंक पता चलेगा कि कितना रैंक पे हैं आप, फिर उस रैंक के हिसाब से आप जाके HCU में अपना काउंसलिंग करवाते हो। ठीक है, जबकि BHU की बात करें तो BHU में डायरेक्ट आपके ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो पहले मेन कैंपस के लिए सीट अलॉट होता है, फिर आपकी बात करें DAV के लिए, फिर धीरे धीरे आपके अफिलेटेड के लिए सीट जो है अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिनके मार्क्स अगर हम बात करें, अफिलेटेड बॉयज़ के लिए सिर्फ DAV है, और नहीं तो सारे जो कैंप अफिलेटेड जो कैंपसेज है फॉर गर्ल्स है। ठीक है, तो जो है अगर आपके मार्क्स कम है तो BHU में आपकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर आपका कोर्स अफिलेटेड कॉलेज में रन करता है तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी अपडेट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हमें और भी अपडेट्स देने के लिए जो है आपके आपका साथ मिलता रहे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, धन्यवाद।